नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएड फोर्थ सेम का लेक्चर नंबर 6, जिसका नाम है स्लाइड प्रोजेक्टर। आईसीटी का है स्लाइड प्रोजेक्टर, और मैं आपको बार बार बताता आया हूँ कि मिसी दिव्या मैम के बेस्ट नोट से मैं आपको करवा रहा हूँ। तो स्लाइड प्रोजेक्टर है क्या? स्लाइड प्रोजेक्टर देखो, नाम से क्लियर हो रहा है, स्लाइड प्रोजेक्टर यानी कि स्लाइड दिखाना। हिंदी में भी आप स्लाइड प्रोजेक्टर लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर स्लाइड प्रक्षेपण। अब स्लाइड प्रोजेक्टर में होता क्या है कि जो हमारे पास जैसे पुराने फोटोज हमारे पास पड़े हैं, कई बार के होते हैं, मन कर जाते हैं देखने का, ठीक है, तो एल्बम निकाल के देखने लगते हैं। तो अगर हमारे पास स्लाइड प्रोजेक्टर है तो हम उसको स्क्रीन पर बड़ा बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन यानी कि वो स्क्रीन जो है, या तो व्हाइट आपका शीट भी हो सकती है, ठीक है, या फिर आपकी दीवार हो सकती है, उसमें आप इसको क्लियरली देख सकते हो। तो स्लाइड प्रोजेक्टर जो है काफी महंगा भी नहीं होता, ठीक है, इसकी जो कॉस्ट है बिल्कुल लो कॉस्ट होगी। और इसमें क्या है कि आप अपनी जो पुरानी यादें उनको एकदम से ताजा कर सकते हो, ठीक है। और साथ साथ में ये स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के भी काफी काम आता है, ठीक है। जो बड़े टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करने में काफी इजीली हम उनसे इस चीज से करवा सकते हैं। सेम जो इसका काम है वो एज अ जो हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था ओवरहेड प्रोजेक्टर, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर में हमने बात की थी सिर्फ ट्रांसपेरेंसी की। वो जो ट्रांसपेरेंसी थी, उस शीट पर हम उस डायग्राम को बना के दिखा सकते हैं, लेकिन अब उस पे अगर हम फोटो को रखेंगे तो फोटो हमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है। वो काम कर सकता है सिर्फ एक स्लाइड प्रोजेक्टर। तो स्लाइड प्रोजेक्टर क्या है, मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया। आप इसको क्या कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में भी खुद लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा तो इससे आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो देखो क्या है, अ स्लाइड प्रोजेक्टर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू व्यू फोटोग्राफिकल स्लाइड्स बाय यूजिंग ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल मेथड। कि प्रोजेक्ट में जो स्लाइड प्रोजेक्टर है एक ऐसा डिवाइस है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, फोटोग्राफिकल स्लाइड यानी कि फोटो जो है हम उनको देख सकते हैं, जो फोटो फोटोज होंगी ना उनको हम स्लाइड्स के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल मेथड, कौन सा मेथड होगा वहां पर, ऑप्टिकल और मैकेनिकल। अब ऑप्टिकल से आप समझ रहे हैं कि फिजिक्स से रिलेटेड है, और ऑप्टिकल लेंस का इसमें यूज किया गया है। अ स्लाइड प्रोजेक्टर इज अ ग्रेट वे टू व्यू ओल्ड फोटोग्राफ्स। अ स्लाइड प्रोजेक्टर क्या है, इससे हमें हेल्प मिलती है पुराने जो फोटोग्राफ्स होंगे हमारे उसको देखने के लिए, ठीक है। इट कंटेन्स एन इलेक्ट्रिकल लाइट बल्ब फोकसिंग लेंसेज रिफ्लेक्टर एंड कंडेंसिंग लेंसेज, ठीक है। इसमें क्या है, ये कंटेन करता है, मतलब इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब होगा, साथ में फोकस लेंस होगा, ठीक है, जिससे वो फोकस करेगा। एक रिफ्लेक्टर लगा होगा और साथ में क्या होगा, कंडेंसर होगा साथ में, ठीक है, कंडेंसर लेंस, कंडेंसिंग या कंडेंसर लेंस आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है, लाइट पासिस थ्रू द ट्रांसपेरेंट स्लाइड्स। अब जो लाइट पास होगी वो ट्रांसपेरेंट स्लाइड से होगी, उसमें जो ट्रांसपेरेंट स्लाइड लगी होगी, ठीक है, उससे वो लाइट पास करेगी, एंड लेंस एंड द रिजल्टिंग इमेज इज एनलार्ज एंड प्रोजेक्टेड इनटू अ स्क्रीन। और क्या होगा, जो स्लाइड से जब ट्रांसपेरेंट स्लाइड से लाइट पास करेगी ना, तो जो रिजल्टिंग इमेज हमें दिखेगी, मान लो ये छोटा ये अभी पेन है, तो ये स्क्रीन में जाके क्या होगा, काफी बड़ा हमें दिखाई देने लगेगा, ठीक है। स्क्रीन आपकी कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया हो, या तो व्हाइट शीट हो, व्हाइट जो चादर लगा के वहां पर रख सकते हैं, या फिर आपका दीवार भी एक काम कर जाएगी इसका, स्क्रीन का, ठीक है। अ स्लाइड प्रोजेक्टर इज एन अप टू मैकेनिकल डिवाइस फॉर शोइंग फोटोग्राफ लाइट, यानी कि इसको हम लाइट के थ्रू ही दिखा सकते हैं, मैकेनिकल डिवाइस है, और साथ में फोटोग्राफ्स इसमें लाइट के थ्रू हम दिखा सकते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर में। 35 mm स्लाइड प्रोजेक्टर डायरेक्ट रिजल्टेंस ऑफ द लार्जेस्ट फॉर्मेट मार्जिन मैजिक लालटेन। इसको जो है इसकी जो होगी 35 mm, हमारे पास जो इसकी रेंज होती है वो इतनी होगी, ठीक है। स्लाइड प्रोजेक्टर डायरेक्ट रिजल्टेंस ऑफ अ लार्जेस्ट फॉर्मेट मैजिक लालटेन, और इसको मैजिक लालटेन, ठीक है, मैजिक लालटेन भी इसको बोला जाएगा। फर्स्ट कम इनटू वाइड स्प्रेड, जो मैजिक लालटेन से आप समझ रहे कि जो लालटेन उस पे लगी होगी, बल्ब लगा होगा, ठीक है, उसके थ्रू क्या होगा, जो फर्स्ट जो हमारा जो स्प्रेड आउट निकल के आएगा वो सीधा व्हाइट स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है, व्हाइट स्क्रीन पे दिखेगा, और वो इमेज जो है हमें एकदम से क्लियरली बड़ी बड़ी दिखाई देना शुरू हो जाएगी। यूज ड्यूरिंग द 1950s एज अ फॉर्म ऑफ ओकेजनल होम एंटरटेनमेंट, मतलब इसका यूज जो था 1950 से चला आ रहा है, ठीक है, 1950 से ड्यूरिंग 1950 से चला आ रहा है, और ओकेजनली जब होम घर में कोई एंटरटेनमेंट करना हो तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे कोई फैमिली में अगर कोई गेस्ट आ गए तो उनको हम वीडियो सॉरी फोटोग्राफ दिखाने के लिए इस चीज का यूज करते हैं, ठीक है, काफी संख्या में बैठे होंगे तो उसको उनको हम एक साथ दिखा सकते हैं। फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स वुड टूगेदर टू व्यू स्लाइड शोज,
और इसकी हेल्प से क्या फैमिली मेंबर और जो फ्रेंड्स होंगे हमारे वो स्लाइड शो के हेल्प से इसको देख सकते हैं। स्लाइड शो आप देख सकते हैं कि स्लाइड कैसे चलती हैं, ठीक है, उसके जरिए आप इसको देख सकते हो। विच टाइप विच टिपिकली कंसिस्टेड ऑफ स्लाइड्स स्नैप ड्यूरिंग वेकेशन एंड फैमिली इवेंट्स। अब जो आपने छुट्टियों में कहीं घूमने गए, ठीक है, छुट्टियों में कहीं आप घूमने गए होंगे, वहां से आपको जो मटेरियल वहां पर आपने जो स्नैप्स लिए या फिर आप फैमिली के साथ किसी इवेंट में गए थे वहां पर आपने कुछ फोटोग्राफ्स लिए, तो उनको आप स्लाइड शो में आराम से देख सकते हो, ठीक है। स्लाइड प्रोजेक्टर वर्क्स इज ऑल्सो वाइडली यूज इन एजुकेशनल एंड अदर इंस्टीट्यूशनल सेटिंग, यानी कि जो स्लाइड प्रोजेक्टर का जो काम है वो वाइडली कहाँ पर है, ज्यादा वाइडली फैला हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और साथ साथ जो अदर इंस्टीट्यूशनल यानी कि जो अदर स्कूलिंग से कॉलेजेस से जो रिलेट करता है वहां पर ये जो है स्लाइड प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। फोटोग्राफिक फिल्म स्लाइड्स एंड प्रोजेक्शन हैव मोस्टली बीइंग रिप्लेस्ड बाय इमेज फाइल्स ऑन डिजिटल स्टोरेज। जो इसकी जो हम फोटोग्राफ्स या फोटोग्राफिक फिल्म्स, ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म्स हम बनाएंगे और उसको क्या प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाएंगे, ठीक है, जो स्लाइड प्रोजेक्टर होगा उसके थ्रू दिखाएंगे, तो उसकी जो स्टोरेज होगी उसमें स्टोरेज यानी कि जो डिजिटल स्टोरेज की बात है ना, वहां पर कितना फोटोग्राफ उसमें आ सकते हैं, उस जहां पर वो स्क्रीन टाइप लगा हुआ है जहां पर हम फोटो रखेंगे वहां पर कितनी उसमें स्टोरेज है, कितने फोटोग्राफ्स हम एक साथ रख सकते हैं, तो उसको बारी बारी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। साथ में है कि स्टोरेज मीडिया शो ऑन प्रोजेक्शन स्क्रीन बाय यूजिंग वीडियो प्रोजेक्टर और सिंपली डिस्प्ले ऑन अ लार्ज स्क्रीन वीडियो मॉनिटर। जो फोटोग्राफ्स हैं हम आराम से उसको हम किस में देख सकते हैं, बड़ी स्क्रीन में, छोटी सी फोटो को ना हम छोटी सी फोटो को हम बड़ी स्क्रीन में आराम से देख सकते हैं। तो यही था हमारा, या तो वीडियो मॉनिटर होगा जो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है ना मॉनिटर, उसके उसको भी हम उसके साथ अटैच करके देख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है, उसको भी हम देख सकते हैं। अब जैसे आप कुछ देख रहे हैं, ठीक है, तो या तो स्क्रीन में दिखा देंगे, पर्दा लगा के उसमें दिखा देंगे, ठीक है। तो इसी का मतलब क्या है, स्लाइड प्रोजेक्टर का जो यूज था वो मैंने आपको इसमें क्लियरली क्लियरली थोड़ा थोड़ा जो आपको बता दिया। अब देखते हैं इसका हिंदी मीडियम में क्या है, हिंदी मीडियम में देखो, अब मैंने इसको क्लियर कर दिया, मैं सिर्फ पढ़ूंगा यहाँ से। स्लाइड प्रोजेक्टर शिक्षण प्रक्रिया में दृश्य सहायक साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह पारदर्शी स्लाइड को दीवार अथवा पर्दे पर दिखाने के काम आता है, ठीक है। जो जो मैंने बातें पिछले पीछे क्लियर की वही यहां पर आ रही हैं, क्योंकि यह स्लाइड का प्रक्षेपण करता है इसलिए इसे स्लाइड प्रोजेक्टर कहा जाता है। जब कोई आकृति बहुत छोटी हो और उसे पूरी कक्षा को स्पष्ट रूप से दिखाने की आवश्यकता हो तो छोटी आकृति की पारदर्शी स्लाइड तैयार की जाती है, ठीक है। अगर कोई छोटी सी आपको आपने कुछ चीज बच्चों को दिखानी है तो एक साथ आप कितने बच्चों को दिखाएंगे, ठीक है, या तो मान लो आपके पास 10 बच्चे खड़े हैं, उनको आपने एक एक करके वो स्लाइड दे दी देखने को, ठीक है, तो वो तो एक एक करके एक के पास जाएगी, दूसरे के पास, तीसरे के पास, ऐसे करते करते टाइम वेस्ट होगा। ऐसा क्या करेंगे कि पूरी 10 बच्चों की क्लास को, बच्चे की क्लास को हम बिठा देंगे और उसको स्लाइड्स के थ्रू दिखाना शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो छोटी सी इमेज होगी एनलार्ज यानी कि बड़े साइज में हमें दिखाई देने लगेगी, जिससे क्या बच्चे एकदम से उस चीज को देखकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कहाँ थे, हाँ, स्लाइड मैजिक लालटेन अथवा स्लाइड प्रोजेक्टर के स्लाइड रखने वाले भाग में उल्टी रखी जाती है। जो जहां पर ये लालटेन है ना, ठीक है, जो लालटेन लगी होगी वहां पर एक स्क्रीन टाइप होगा, ठीक है, छोटी सी मान लो इस तरह से बना होगा वहां पर स्पेस, वहां पर वो उस इमेज को हम उल्टा रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास अभी एक सेलफोन है, ठीक है, सेलफोन को मैं क्या करूंगा, इसको मैं उल्टा रखूंगा, ठीक है। अभी जो मुझे ये चीज दिख रही है ना, सारा जो इसमें सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं इसमें, ठीक है, इसके जो हमें दिख रहे हैं ना सॉफ्टवेयर, ये सारे अगर मैं इसको स्लाइड सॉफ्ट उसमें रख दूं प्रोजेक्टर में, तो हमें क्या होगा, एकदम से क्लियरली वो स्क्रीन पर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हम आराम से उसको उल्टा करके रख सकते हैं और स्क्रीन में देख सकते हैं। फिर क्या है, मुख्य प्रक्षेपण यानी कि यहाँ पर स्लाइड प्रोजेक्टर भी लिख सकते हैं, द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली स्लाइड्स एवं फिल्म को देखा जा सकता है, ठीक है। शिक्षण में स्लाइड प्रोजेक्टर का बहुत अधिक महत्व है। अब ये जो मैंने SP लिखा है इसका मतलब क्या है, स्लाइड प्रोजेक्टर अथवा डायस्कोप के नाम से भी विख्यात है, ये डायस्कोप के नाम से भी विख्यात है स्लाइड प्रोजेक्टर। साथ में क्या है कि स्लाइड प्रोजेक्टर किसी भी आकृति को दीवार या पर्दे पर सीधा दिखाता है। स्लाइड जो है वो डायरेक्टली कहां पर हमें दिखेगी, या तो दीवार पे दिख जाएगी या फिर जो पर्दा हमने लगाया होगा उस पर हम देख सकते हैं। यदि स्लाइड रंगदार हो तो वह अधिक आकर्षक
के रूप में प्रकट होती है। ठीक है, अगर कोई स्लाइड देखो कलर कलरफुल है, ठीक है, कोई फोटोग्राफ हो उसको काफी, जैसे मान लो आपने कहीं सीनरी वगैरह का फोटो लिया है और उसमें काफी ग्रीनरी है, ठीक है, तो उसको आप जब स्लाइड प्रोजेक्टर में देखोगे तो इतना अच्छा लगेगा वो देखने में, ऐसा लगेगा मानो आप वहीं पर उसी जगह पर खड़े हो। ठीक है, स्लाइड प्रोजेक्टर छोटी व बड़ी दोनों कक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये जो चीज है स्लाइड प्रोजेक्टर, ये बड़ी कक्षा के लिए भी ठीक है, छोटी क्लासेस के लिए भी ठीक है, बड़ी क्लासेस के लिए भी ठीक है, क्योंकि इससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें एडवांटेजेस ऑफ स्लाइड प्रोजेक्टर, यानी कि इसके जो लाभ हैं, इजी टू ट्रांसपोर्ट, ले जाने में सुगम, यानी कि इसको हम कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ठीक है, इजीली हम इसको पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, तो इजी टू ट्रांसपोर्ट आ गया। इजी टू यूज, इसको जो है यूज करना भी काफी इजी है। देखो स्लाइड प्रोजेक्टर को आप लगा दो, उसमें क्या करो फोटो रख दो, ठीक है, और जो लैंप से क्या होगा, जो बल्ब होगा वो स्क्रीन पर जाके हमें एक इमेज बना के दे देगा। ठीक है, पिक्चर ऑन स्क्रीन। अब पर्दे का चित्रण जो है इसमें लाभ है, कैसे है इसका लाभ, अब हम जो भी स्क्रीन पर देख रहे हो तो थ्रू हमें किससे दिख रहा है, स्लाइड प्रोजेक्टर के थ्रू ही तो हमें पिक्चर जो है वो दीवार पर या पर्दे पर दिखाई दे रही है। इंटरेस्टिंग, रोचक, अब जो है ये रोचक भी है। अब देखो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को क्या करेंगे कि कार्टून के पिक्स लाएंगे और वो उनको दिखाएंगे, तो कुछ कार्टून्स होंगे, कुछ जोक्स टाइप पिक्स होंगी, जिनको देख के बच्चे क्या करेंगे, हंसना शुरू कर देंगे और उनका एक एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा साथ साथ में। इकोनॉमिकल इन टाइम, यानी कि इसको आप टाइम सेविंग भी लिख सकते हो, समय की बचत। समय की बचत कैसे करते हैं, मान लो एक क्लास में 50 बच्चे बैठ गए, ठीक है, अब आप बारी बारी एक एक करके उसको वो चीज तो नहीं दिखा सकते ना। देखो छोटी सी फोटो है, ठीक है, छोटी सी फोटो, अब ये फोन है, ठीक है, 50 लोगों को अगर हम दिखाएं तो क्लास में जो इसके सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी इसके सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, वो उनको नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, पीछे तक उनको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि एक लाइन में बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, उनको ये सारे एक भी सॉफ्टवेयर उनको नहीं दिखाई देगा। लेकिन हम क्या करेंगे, जब इसको मैं स्लाइड प्रोजेक्टर में रखूंगा तो क्लियरली क्लियरली स्क्रीन पर जितना भी आएगा वो सारा उनको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें एजुकेशन इंफॉर्मेशन, शैक्षणिक सूचना, इससे हमें शैक्षणिक सूचना भी मिलती है, एजुकेशन के काम भी ये हमारे आ सकता है। मान लो कोई कॉमर्स कॉमर्स से रिलेट करता है, कोई साइंस से रिलेट करता है, कोई आर्ट से रिलेट करता है, तो जगह जगह की वहां पर फोटोज ला करके वो उनको दिखा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें मोटिवेशनल फोर्स। अब इस स्लाइड प्रोजेक्टर से अभी प्रेरक शक्ति भी हमें मिलती है, मोटिवेशनल फोर्स भी हमें मिलती है। मान लो मैंने आपको टॉपिक क्लियर करवा दिया स्लाइड प्रोजेक्टर में अपने अपने लिहाज पे, ठीक है, अब मैं किसी बच्चे को बोल दूंगा कि आप प्लीज आगे आओ और इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है, कोई भी टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करो, तो वहां पर बच्चे का क्या होगा, जो भी स्टूडेंट होगा, आप मान लो आप अपने आप अपना एग्जाम्पल लेके चलो, आप क्या करोगे, उस पिक्चर में जितनी भी बातें हैं, ठीक है, तो उसको आप अपने व्यू में बताने की कोशिश करोगे, तो वही क्या है मोटिवेशनल फोर्स, कि आपको एक प्रेरणा मिल रही है कि मैंने इसको बेटर करना है यार, ठीक है, बेटर इसको करके दिखाना है, तो मैं कैसे करूंगा, अपने व्यू में करके दिखाऊंगा, जरूरी नहीं है कि टीचर का ही मैं यूज करूंगा, अपने तरीके से और अपने व्यूज देकर मैं वहां पर इसको इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा ताकि और अच्छा लगे, जरूरी नहीं है कि टीचर का ही जो टीचर ने बोल दिया रटा रटा है वही मैंने आगे बोल दिया। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा उस चीज को एक्सप्लेन करने का। नेक्स्ट बात करते हैं नॉट कॉस्टली, ये महंगा नहीं होता, मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि इसकी कॉस्ट जो है ज्यादा महंगी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लाइड प्रोजेक्टर। अब जो कंस्ट्रक्शन है, संरचना इसकी, इसमें डायरेक्टली आपने छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा लिखना है, ज्यादा इसमें कुछ लिखने वाली बात नहीं है। देखो प्रोजेक्शन लैंप, यानी कि प्रक्षेपण द्वीप। अब प्रोजेक्शन लैंप क्या है, काम करेगा हमें जो भी हम देखेंगे उसको हम स्क्रीन में डायरेक्टली देख सकते हैं। कंकेव मिरर, इसमें अवतल दर्पण भी लगा हुआ, कंडेंस लेंस भी इसमें लगा होगा, ठीक है, कंडेंस लेंस इसमें लगा होगा, साथ में क्या लगा होगा, स्लाइड कैरियर, यानी कि स्लाइड वाहक। स्लाइड कैरियर क्या हो, जिसमें हम इमेज को दिखा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस भी इसमें लगा, अभिदृश्य लेंस भी इसमें लगा होगा, ठीक है, जिसकी सहायता से हम बिल्कुल क्लियरली किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, स्लाइड कैरियर तो हो गया ना, जहां पर हम इमेज को रखेंगे, और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट हमें, जब मान लो अभी क्या है, एक किस्म से स्क्रीन ही है, स्क्रीन में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा अभी कुछ हाथ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, अगर मैं इस पेन को यहाँ पर लेके आऊँ, ठीक है, पेन को यहाँ पर लेके आता हूँ, तो वो क्या है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिकॉशन टू ऑब्जर्व
बाय यूजिंग स्लाइड प्रोजेक्टर। अब इसमें जो प्रिकॉशंस हैं वो क्या क्या आ सकते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर के प्रयोग में सावधानियां। देखो डिस्कशन, ठीक है, डिस्कशन करेंगे, विचार विमर्श आपने कर लिया, उसको फिर आपने उसमें क्या किया कि एक्सप्लेन कर दिया, ऑब्जर्व बाय यूजिंग स्लाइड प्रोजेक्टर। याद रखो कि विचार विमर्श किया, ठीक है, डिस्कशन की उसके बारे में, जो भी हमने क्लास में एक दूसरे के साथ डिस्कशन की टॉपिक के बारे में उसको आप याद रखोगे, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, उसके बाद विचार विमर्श किया जाएगा। एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन। अब देखो प्रोत्साहन भी कैसे मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगी। अब मान लो मैंने आपको टॉपिक करवा दिया, ठीक है, अब आपको ये सारी बातें क्या क्लियर हैं, आपका रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा कि सर आपने अच्छा करवाया या आपने बुरा करवाया या फिर मुझे समझ नहीं आया। आप जिसके दिमाग में जो होगा वो चलेगा, ठीक है, वो बोल देगा, उसकी फीलिंग्स जो होगी वो एकदम से क्लियरली कट ऑफ कर देगा कि मुझे समझ आया है या नहीं आया है, वो बता देगा। एनकरेजमेंट, अब मान लो मैंने किसी बच्चे को बुला के आगे खड़ा कर दिया और बोल दिया कि इसके बारे में आप बताओ, ठीक है, अब वो वहां पर बता रहा है, अगर मैं उसको बीच में टोक दूं, ठीक है, तो क्या होगा, वो सारा क्या करेगा उस चीज को बताने में गलत कर देगा। लेकिन जब हम उसको बोलेंगे कि नहीं यार तू सही बता रहा है, आगे कर, आगे एक्सप्लेन कर, कोई कोई बात नहीं, गलत भी है सही, गलत भी होगा तो भी हम ठीक, हमारे लिए ठीक है, ठीक है, तो एनकरेजमेंट उसको मिलेगा। देखो इससे टीचर को भी एनकरेजमेंट मिलता है, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आया तो वो बोल देगा कि मुझे समझ नहीं आया, उसको टीचर दोबारा से एक्सप्लेन कर देगा, और कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमें क्लियरली सर समझ आ गया, ठीक है, क्लियरली सर या मैडम जो भी होंगे, क्लियरली हमें समझ आ गया, तो उससे क्या है, एक एनकरेजमेंट तो मिलती है भाई। बैकग्राउंड, उसका जो बैकग्राउंड है, अब आपको पिक्चर दिखा रहे तो बैकग्राउंड भी क्या होना चाहिए, उसका अच्छा होना चाहिए। मान लो आप कहीं पर खड़े हैं, ठीक है, या फिर मान लो आपने कुछ डायग्राम तैयार किया है, सीनरी तैयार की है, और बैकग्राउंड उसका इतना अच्छा रखा है आपने, तो उसको देखकर भी बच्चे के काफी खुश होंगे, ठीक है, उसको देखकर भी बच्चे खुश होंगे, और एकदम से उनका ध्यान किस पे रहेगा, सीधा ही स्क्रीन पे रहेगा। और रनिंग कमेंट्री, याद रखो रनिंग कमेंट्री यानी कि साथ साथ व्याख्या। रनिंग कमेंट्री का यहाँ पर मतलब आया कि आप जैसे जिसके जिस टॉपिक के बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसके उसको साथ साथ आप बोल भी रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि पॉइंटर पकड़ा है और ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है, वो चीज नहीं इसमें आएगी, साथ साथ में आपको रनिंग कमेंट्री चलते चलते उस चीज को, अगर पॉइंटर जहां पर है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मान लो डिस्कशन में मेरा पॉइंटर गया तो मैं डिस्कशन को एक्सप्लेन करूंगा, बैकग्राउंड में गया तो बैकग्राउंड को मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो ये है रनिंग कमेंट्री की चलते चलते या फिर साथ साथ में व्याख्या कर देना उस चीज की। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 6 स्लाइड प्रोजेक्टर। अगर आपको समझ आया, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करते जाएं। और अगर बार बार बोलता हूं मैं, किसी को अगर इसकी PDF चाहिए तो मुझसे 9816718076 पर ले सकता है। और एक बात और है कि पर लेक्चर जो वीडियो मिलेगी आपको 150 रुपीज़ के हिसाब से मिल जाएगी, ठीक है, 150 रुपीज़ पर वीडियो आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, 150 रुपीज़ आप पे कर देंगे उसको जो है सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी एक साथ में, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।